एशिया कप में अफगानिस्तान और नेपाल भी पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तजवीज करदा हाइब्रिड मॉडल ने मंजूरी के लिए एक और रुकावट अबूर कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एशिया कप में राहें हमवार होना शुरू। अफगानिस्तान और नेपाल ने भी पाकिस्तान में खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान और नेपाल ने भी पाकिस्तान में खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ने ईमेल के जरिए पीसीबी को पाकिस्तान में खेलने की यकीन दहानी करवा दी है। ज़राए का मजीद कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल में भारत का पाकिस्तान में खेलना सिरे से शामिल ही नहीं, इसलिए भारत का हाइब्रिड मॉडल पर एतराज किसी अहमियत का हामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल में शामिल दीगर तमाम क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवा दी है। हाइब्रिड मॉडल के मंजूर होने के बाद न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत हो सकती है। ज़राए का मजीद कहना है कि दीगर बोर्ड सहाल अरब अमारात में खेलने पर आमादा नहीं और उन्होंने सितंबर में यूएई में गर्मी के बायस खिलाड़ियों की इंजरी के खदशे का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकटों की ज्यादा फिरोख्त और गेट मनी के बायस यूएई में एशिया कप करवाना चाहता है। माजी में सितंबर में हुए एशिया कप और आईपीएल की बुनियाद बनाकर पीसीबी अपना मौकफ पेश करेगा।